जब आपने भारत पाकिस्तान चीन सैनिकों की झड़प की न्यूज सुनी थी तब आप डर गए थे क्या? क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से या घटने से आपकी मार्केट की सोच बदलती है? जब बैंकिंग सेक्टर की कोई बुरी न्यूज आती है तब आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते हो? क्या आपने कभी चुनाव का एग्जिट पोल देखकर आपका विनिंग ट्रेड बीच में कट किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दरअसल मोटोकॉप में 5% की गिरावट देखने के बाद अब 3.5% नीचे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। और खबर यह है कि हीरो मोटो के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। स्टॉक हालांकि प्रेशर में तो है, 3.75% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज ईडी की जो टीम है वो 11 लोकेशन के ऊपर छापेमारी कर रही है, इसमें पवन मुंजाल का घर भी शामिल है। तो आज देर शाम तक ईडी इस मामले को लेकर के कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि छापेमारी में क्या मिला और कितने अमाउंट का ये सारा उनको यहाँ पर फॉरेन करेंसी मिली थी, कितने अमाउंट का। और उसी समय किसी ने अपना विनिंग ट्रेड कट किया होगा, किसी ने सेलिंग की पोजीशन ली होगी, क्योंकि बुरी खबर है। लेकिन दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प का वीकली चार्ट देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प ने अपना पिछला स्विंग लो भी नहीं काटा और वहां से 70% का रिटर्न दिया और उसके बाद अपना लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक किया। क्या बुरी खबर आने से इतना बड़ा मुंह आता है? समझने के लिए और एक वीडियो दिखाता हूँ। India gave much more than a bloody nose. But भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर तकरार को लेकर एक बड़ी खबर है। Photographs taken less than 24 hours after the carnage on the night of June. अगर हम 16 जून 2020 का रियल टाइम चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर बुलिश हैमर बनने के बाद मार्केट सीधा ऊपर गया। क्या आप वहाँ पर शॉर्ट करते थे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे। जहां तक रेवेन्यू विभाग है, कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए ये तीन हिस्सों में बटेगा। एक्साइज ड्यूटी हम लोग 1.5 रुपया 1.50 रुपए कम करेंगे और जो OMCs हैं 1 रुपए की कटौती अपनी प्राइसिंग में फैक्टर इन। केंद्र सरकार की तरफ से लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे। स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने जब इस न्यूज का अनाउंसमेंट किया तब HPCL, IOC और BPCL इन कंपनियों को प्रति लीटर 1 रुपया घाटा होने वाला था और वो घाटा 4500 करोड़ का था। इस तरीके से जब टीवी के ऊपर न्यूज चल रही थी तब सब सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर इन स्टॉक को सेल करने की राय दी गई। लेकिन दोस्तों उसी समय इस स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया। HPCL ने 104% का रिटर्न दिया, IOC ने 63% का रिटर्न दिया और BPCL ने 130% का रिटर्न दिया। इतनी बुरी न्यूज होने के बाद भी इतने बड़े रिटर्न मिले दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना डाउन ट्रेंड वहां पर ही खत्म किया। और एक उदाहरण देखते हैं। 22 मई 2020 को RBI ने मोरेटोरियम को बढ़ाने की घोषणा की। तब ऐसा बोला जा रहा था कि बैंक डूब जाएंगे, डिफॉल्टर की संख्या बढ़ जाएगी, बैंक को मुनाफा नहीं होगा, इसीलिए टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बैंक निफ्टी शॉर्ट की राय दी जा रही थी दोस्तों। और उसी समय बैंक निफ्टी ऊपर गया। उसका ये एक वीडियो देखो। News coming in from the Supreme Court, where the Reserve Bank of India has filed an affidavit in the top court regarding the loan moratorium. Now the RBI has sent. दुनिया के मार्केट ग्रीड और फियर से चलते हैं दोस्तों, और ये आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादातर भीड़ न्यूज को फॉलो करती है और न्यूज के अलग डायरेक्शन में रिएक्शन आता है, ये अभी तक आपने देखा। जितनी ज्यादा बुरी न्यूज उतना अच्छा रिटर्न मिलता है, ये आपको याद रखना है। मेरा ये नहीं कहना है कि न्यूज बुरी है तो बाय करना है। जब पैटर्न टूटता है, प्राइस टूटती है, तब आपको दिखाई देगी आप क्या करते हो। मार्केट के अंदर न्यूज आते ही वहां पर शॉर्ट करते हो या एग्जिट हो जाते हो और वहां पर स्मार्ट प्लेयर आपका माल आपके पास से छीन लेता है।
ऐसा हर टाइम होता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको एडवांस डिमांड सप्लाई सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। मार्केट के अंदर एक मशहूर कहावत है, जहां पर ढोल बजते हैं वहां पर शादी नहीं होती। तो दोस्तों आपको इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। मैं आपको और एक उदाहरण दिखाता हूँ। जिस दिन पूरा इंडिया डरा था और वो डर सबके मन में था, वो दिन था 24 मार्च 2020। उस दिन पीएम मोदी ने पहला लॉकडाउन घोषित किया। उसी दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी पूरे स्टॉक के अंदर से पोजीशन एग्जिट करने की राय दी जा रही थी और सब लोग ऐसा ही कर रहे थे दोस्तों। और उसी दिन से निफ्टी ने वी शेप रिकवरी की। वी शेप रिकवरी कब आती है दोस्तों? जब कोई बायर एग्रेसिवली बाय करता है। इतने डर के माहौल में वो कौन था जिसने इतना एग्रेसिवली बाय किया और वहां पर वी शेप रिकवरी आई। हर टाइम ऐसा ही होता है, जब बुरी न्यूज आती है तब स्मार्ट प्लेयर आपके इमोशंस का फायदा उठा लेता है और आपके पास से आपका माल छीन लेता है। तो दोस्तों उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, आप तेजी करो या मंदी करो, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।